Hey friends, welcome to Mechabit Forum. Today we are going to study about the engine power. Engine power is basically that power which is available at our crankshaft to do the work. Now the question arises ki ye work kya hai? Basically, jo hame engine se work milta hai, wo work hamare vehicle ko propel karne ke liye use kiya jata hai. Ab crankshaft jo hoti hai, wo hamari energy leti hai piston cylinder assembly se jo ki har ek engine mein available hota hai. तो वो जो पावर हमें मिलती है उस पावर से हम अपने व्हीकल को प्रोपेल करते हैं और उस इंजन पावर को जो उसकी मेजरिंग यूनिट होती है उसे हम लोग जनरली कहते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होती है, इंजन पावर क्या होती है, ये आज हम लोग अपने इस टॉपिक में देखने वाले हैं और कनेक्टिवली ये भी देखेंगे कि इस इंजन पावर से जुड़ी हमारे पास तीर और कौन सी पावर है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द इंजन पावर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पावर्स आर एसोसिएटेड विद द इंजन पावर। So here we do have the definition of an engine power written clearly that indicates it is a power available from the crankshaft to do the work. यही हम मैंने अभी आपको starting में बताया था कि जो हमारी power crankshaft पे available होती है after the process of combustion, उस power को हम लोग engine power कहते हैं। ये engine power जो होती है it is generally measured in the unit of horse power. अब horse power जो हमारी होती है that is 33,000 FTLB per minute. अब बेसिकली ये जो हमारे पास FTLB पर मिनट क्वांटिटी आई है ये क्वांटिटी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है तो आज हम लोग इसको समझते हैं। बेसिकली ये एक हॉर्स पावर होता क्या है। जो एनर्जी हमारे पास मिलती थी ट्रेडिशनली उस एनर्जी को मेजर करने के लिए वी वर नॉट हैविंग द साइंटिफिक टर्म्स तो हम लोग उसको एक लोकल टर्म में डिफाइन करते थे हॉर्स पावर। मीन्स जो हमारा हॉर्स होता है उससे जो हमें पावर मिलती है उसको हम लोग अपने इंजन के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करके समझते थे। अब ये जो हॉर्स पावर है दैट इज 33,000 FTLB। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज दिस FTLB। दिस इज नोन एज द फुट पाउंड। इनिशियली क्या होता था कि जो हमारा हॉर्स एक फुट स्टेप चलता था उसकी क्वांटिटी से उसके डिस्प्लेसमेंट से हम लोग ये वैल्यू को एवेल्युएट करते थे। अब बेसिकली दिस फुट पाउंड इज व्हाट, दिस फुट पाउंड इज कि जब हमारा हॉर्स एक स्टेप डिस्प्लेस करता है तो उस स्टेप के डिस्प्लेस करने पे हमारे पास जो फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज बेसिकली नोन एज द फुट पाउंड। मतलब हॉर्स ने हमारा जो एक स्टेप मूव किया उस एक स्टेप के मूव करने पे फोर्स इम्पार्ट हुआ और उस फोर्स के इम्पार्ट होने से जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज इक्वल टू दिस वन हॉर्स पावर। तो ऐसे जो स्टेप्स हैं वो हॉर्स एक मिनट में 33,000 स्टेप्स वो चलेगा, फुट वो चलेगा और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी दैट इज नोन एज दी वन हॉर्स पावर। तो ये तो हमारा था लोकल टर्म में हॉर्स पावर की डेफिनेशन, बट प्रैक्टिकली हम लोग इसको हॉर्स से लिंक करके नहीं इवेल्युएट कर सकते। फॉर दैट इन मेट्रिक सिस्टम वी हैव वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट्स। तो ये जो हमारे पास किलोवाट्स टर्म है दिस इज बेसिकली द वेल नोन क्वांटिटी ऑफ मेजरिंग दी पावर। तो किसी भी इंजन की अगर हमें पावर मेजर करनी है तो दैट इज वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 0.746 किलोवाट्स। जनरली हमारे पास ट्रैक्टर्स जो आते हैं, फार्मर ट्रैक्टर्स जो आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि दैट फार्मर ट्रैक्टर इज 400 हॉर्स पावर और 300 हॉर्स पावर, और जो हमारे पास रेलवे इंजन होते हैं दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग 1000 हॉर्स पावर। तो उसका जो मतलब होता है वो लोकल टर्म में 1000 हॉर्स पावर मीन्स 33,000 इंटू 1000 फुट पाउंड। बट अगर हम देखें कि वो इंजन हमारा कितना पावर डेवलप कर रहा है इन एक्चुअल मेट्रिक क्वांटिटी तो उसके लिए हमें 0.746 किलोवाट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट कि हमारे पास वो 746 किलोवाट डेवलप कर रहा है। कब, जब हमारे पास 1000 हॉर्स पावर अगर वो इंजन बना रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम एक किलोवाट इंजन पावर की बात करें तो वो एक किलोवाट हमारा 1.34 हॉर्स पावर के इक्वल होता। एंड टू कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ एनी ऑफ द इंजन वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज टॉर्क इनटू आरपीएम अपॉन 5252। ये 5252 मतलब 5252 जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज द कॉन्स्टेंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द सेवरल फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव्स। देन वी हैव द टॉर्क एंड आरपीएम। टॉर्क हम लोगों को इंजन का आसानी से अवेलेबल होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंजन हमारा कितना डेवलप कर रहा है टॉर्क, एंड दी आरपीएम दैट इज दी रोटेशंस पर मिनट। ये आरपीएम जो है ये हम टैकोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इन वैल्यूज को प्लेस करके वी कैन गेट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ हॉर्स पावर आर इंजन इज डेवलपिंग। सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट काइंड्स ऑफ पावर्स आर एसोसिएटेड विद द इंजन पावर।
स्टार्टिंग में जैसा कि हमने कहा था कि इंजन पावर से रिलेटेड हमारे पास जो और पावर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे तीन पावर हैं। पहली पावर है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर, जिसको कि हम लोग BHP कहते हैं। देन वी हैव द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, दैट इज द IHP, एंड द लास्ट वन वी हैव द फ्रिक्शन हॉर्स पावर, FHP। तो ये तीन पावर क्या होती है, अब इसको समझते हैं। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट, दैट इज द ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर इज वेरी सिमिलर टू द इंजन पावर दैट वी हैव सीन, एंड द डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर, दैट इज इट इज अ पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट टू डू द वर्क। अगेन हियर द वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द व्हीकल। अब अगर हम बात करते हैं इस ब्रेक हॉर्स पावर को मेजर करने की, तो इस ब्रेक हॉर्स पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास कई तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि इसका नाम है ब्रेक हॉर्स पावर, मींस दैट इज ब्रेक, तो हम इस हॉर्स पावर को अगर हमें इंजन को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग डायनेमोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं बाय अप्लाइंग दी ब्रेक्स ओवर द इंजन, और यू कैन से ओवर दी क्रैंकशाफ्ट। तो हम यहां पे डायनेमोमीटर को कपल करते हैं इंजन की क्रैंकशाफ्ट से, और वो उसके ऊपर ब्रेक्स को अप्लाई करके पावर मेजर करता है कि एक्चुअली उसमें पावर कितनी डेवलप हो रही है। इफ यू वांट टू गो थ्रू द डायनेमोमीटर सेक्शन, यू कैन गो थ्रू द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर हमें ब्रेक हॉर्स पावर मेजर करनी है किसी इंजन की, तो वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज BHP, ब्रेक हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 2 pi NT/60 × 1000 kW। दिस kW इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिट। अब जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वांटिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम द डायनेमोमीटर सेक्शन, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ द ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ पे हमारे पास N जो है दैट इज द RPM, रोटेशंस पर मिनट, एंड T इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर। देन वी हैव द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज डिनोटेड बाय IHP। ये हमारी जो हॉर्स पावर होती है ये वो बेसिकली पावर है जो इंजन डेवलप कर रहा है, किसमें, कंबशन चैम्बर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन। हियर द डेफिनेशन सेज इट इज द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इनसाइड द कंबशन चैम्बर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन। जिस समय हमारे पास कंबशन का प्रोसेस होता है, वी हैव 4 प्रोसेसेस इन द इंजन, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन, तो जो हमारे पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर बॉम्बार्ड होके कंबशन में पार्टिसिपेट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है, तो एग्जैक्टली उस टाइम कंबशन चैम्बर में जो पावर डेवलप हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला IHP = PM LANK/60 × 1000, एंड अगेन द यूनिट ऑफ IHP इज kW। अब ये क्वांटिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड इन द ब्रैकेट्स यू कैन सी PM इज द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इन किलो पास्कल। PM जो है वो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मतलब कंबशन से पहले जो हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसमें प्रेशर हमारा डेवलप होता है, बिल्ट होता है, और जब कंबशन हो रहा होता है तो उस समय भी कुछ प्रेशर रिलीज होता है। तो एट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो हमारे पास प्रेशर डेवलप हो रहा है सिलेंडर के अंदर, दैट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर डिनोटेड बाय PM, हम उसको कैलकुलेट करते हैं किलो पास्कल में। देन वी हैव द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक डिनोटेड बाय स्मॉल m, दैट इज मीटर, मींस जो हमारा स्ट्रोक लेंथ है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अनदर डेड सेंटर। देन वी हैव द एरिया ऑफ द सिलेंडर a इन मीटर स्क्वायर, हम लोग सिलेंडर का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करते हैं कि हर इंजन में जो भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं उनका क्या एरिया है। देन वी हैव द स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स, मींस n कि कितने पिस्टन ने स्ट्रोक लिए, एक स्ट्रोक लिया, दो स्ट्रोक लिया, तीन स्ट्रोक लिया, चार स्ट्रोक लिया, बेसिकली ये जो नंबर ऑफ स्ट्रोक है दैट इज द 2 स्ट्रोक और द 4 स्ट्रोक, तो हमारे पास 2 या 4 यही वैल्यू होगी। एंड फाइनली वी हैव द k, दैट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। कोई इंजन हमारा 2 सिलेंडर होता है, कोई इंजन हमारा 4 सिलेंडर होता है, कोई 3 सिलेंडर होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स हम k की वैल्यू भी डिसाइड करते हैं, एंड बाय अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी गेट द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपने ब्रेक हॉर्स पावर भी देख लिया और इंडिकेटेड हॉर्स पावर भी स्टडी कर लिया, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो कौन सी पावर है, इट इज द पावर दैट इज अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, वेयर एज इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज दैट पावर विच इज अवेलेबल इन द कंबशन चैम्बर। अब कंबशन चैम्बर में जो गैसेस की वजह से हमें पावर मिल रही है वो तो ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रेक हॉर्स पावर पे जो हमें पावर मिल रही है वो क्रैंकशाफ्ट में मिल रही है, एंड
there is a much distance between the generation of power through combustion and the power that is available at the crankshaft. अब बीच में पावर जो हमारी कहीं यूज हो रही है और यू कैन से मिसयूज हो रही है वो कहां हो रही है, दैट इज इनटू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस इंजन पावर, दैट इज द फ्रिक्शन हॉर्स पावर. ये जो फ्रिक्शन हॉर्स पावर है, वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन व्हाइल हैविंग द कैलकुलेशंस और सम कंसिडरेशंस. देखिए, फ्रिक्शन हॉर्स पावर जो है वो ये पावर है, स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा. इट इज अ पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द इंटरनल मूविंग पार्ट्स. दिस डेफिनेशन सेज अ लॉट. फ्रिक्शन हॉर्स पावर, जैसा कि नाम ही स्टार्टिंग में इनिशियल है इसका, फ्रिक्शन, तो यहां पे हमारे पास जो पावर डेवलप हो रही है उसमें से कुछ पावर हमारी फ्रिक्शन को भी ओवरकम करने में चली जा रही है. अब उसको हम वेस्टेज भी कह सकते हैं क्योंकि वो पावर हमें मिल नहीं पा रही है और वो पावर भी हमें ओवरकम करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा व्हीकल प्रोपेल नहीं करेगा. तो जो पावर हमारी इंजन में डेवलप होने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चली जाती है उसे हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहते हैं. प्रैक्टिकली दिस इज अ वेस्ट हॉर्स पावर जो कि हमारी फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो रही है, हमें एक्चुअली में वो मिल नहीं पा रही है व्हीकल को प्रोपेल करने में. तो ये जो हमारी वेस्टेज है, अब यहां पे बात है इंटरनल मूविंग पार्ट्स. इंटरनल मूविंग पार्ट्स कौन से? इस इंटरनल मूविंग पार्ट्स में आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारे पास जो होता है एक पिस्टन रिंग्स. तो ये जो हमारे पास पिस्टन रिंग्स होते हैं, दीज पिस्टन रिंग्स यूटिलाइज और यू कैन से एब्जॉर्ब्स द 75% ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस. पिस्टन रिंग्स जो हैं, वो बेसिकली पिस्टन और सिलेंडर वॉल, जिसे हम लाइनर कहते हैं, उसके बीच के क्लियरेंस को फिल करने के लिए यूज की जाती है. पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट. तो पिस्टन रिंग्स जब हमारे स्लाइड करते हैं सिलेंडर वॉल से लाइनर से, तो उस स्लाइडिंग की वजह से बहुत सारा फ्रिक्शन डेवलप होता है जो एक तरीके का रेजिस्टेंस देता है. तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी हमें कोई एनर्जी चाहिए. अब वो जो एनर्जी हमारी होती है, जो कि पिस्टन रिंग से बनने वाले फ्रिक्शन और बाकी अदर कंपोनेंट्स जस्ट लाइक कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स, उनकी वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप होता है, उनसे रेजिस्टेंस जो मिल रहा है उसको ओवरकम करने में इंजन की कुछ पावर चली जाती है. तो हमें जो क्रैंकशाफ्ट पे पावर मिलती है, दैट इज द ब्रेक हॉर्स पावर, ये एक्चुअल हॉर्स पावर है जो हमारे क्रैंकशाफ्ट पे बन पा रही है. अगर हम लोग देखें इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब हमने जो फ्यूल सप्लाई किया इंजन में, आइडियली हमारे पास बन रही थी इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो हम फ्यूल दे रहे थे, बट बीच में ये फ्रिक्शन भी हो रहा था क्योंकि पिस्टन रिंग्स जो है वो लगभग 75% एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लॉसेस के रूप में. तो ये जो हमारा फ्रिक्शन हॉर्स पावर है, ये फ्रिक्शन हॉर्स पावर इट वॉज अ काइंड ऑफ वेस्टेज. तो अब फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस हुआ, उसके बाद में हमारे पास मिला ब्रेक हॉर्स पावर, दैट इज द यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ड्राइव अ व्हीकल. तो अगर हमें फ्रिक्शन हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी है, देन वी हैव द वेरी सिंपल फॉर्मूला, FHP इक्वल्स टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर. मींस इंडिकेटेड हॉर्स पावर हमारे पास आइडियल हॉर्स पावर है जो डेवलप हो रही है, जिसमें से हम लोग ब्रेक हॉर्स पावर को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे वो हॉर्स पावर जो कि फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो गई, वो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है. सो दीज थ्री पावर्स आर एसोसिएटेड विद द इंजन पावर टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ हॉर्स पावर इज बीइंग आइडियली जनरेटेड इनसाइड द कंबशन चैम्बर एंड आफ्टर ओवरकमिंग द फ्रिक्शन हॉर्स पावर हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर डू वी एक्चुअली गेट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट. Here this was all about the engine power and actually now we are in the situation to say कि जो पावर हमारे पास इंजन में डेवलप होती है वो एक्चुअली हमारे व्हीकल को प्रोपेल नहीं करती है. आइडियली हमारे पास पावर कुछ और डेवलप हो रही है, बट प्रैक्टिकली हमें जो पावर मिल रही है वो फ्रिक्शन हॉर्स पावर को सब्ट्रैक्ट करके हमें अवेलेबल हो रही है. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर टेक्निकल अपडेट्स. टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय.